बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिज़नेस मॉडल्स की बात चल रही थी। हमने बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल सर स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा है बिज़नेस टू बिज़नेस। ऑफ कोर्स आपको आइडिया तो होगा कि बेसिकली इंडस्ट्री ये भी काफ़ी वाइड है। देखो, इट इज़ एस्टिमेटेड रेवेन्यूज फॉर ऑल बी टू बी ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड विल टोटल अराउंड 119.8 ट्रिलियन इन 2016 कंपेयर्ड अबाउट 2.3 फॉर रिटेल एंड ट्रेवल बी टू सी। यानी बी टू बी इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ी है। उसकी वजह क्या है बेसिकली ना, कि आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं। अब एक ओवरव्यू यहाँ से मैं आपको देता हूँ। देखो, ई डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केट प्लेस, उसमें ग्रेनर और अमेजोन बिजनेस का नाम है, सिंगल फर्म ऑनलाइन वर्जन ऑफ रिटेल एंड होलसेल स्टोर, सप्लाई, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन ऑफ गुड एंड इनडायरेक्ट इनपुट सेल्स ऑफ गुड। यानी ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग कर रहे हैं। ई प्रोक्योरमेंट है, अरीबा सप्लायर है, नेटवर्क परफेक्ट कम्युनिकेशन है, सिंगल फर्म डिजिटल मार्केट वेयर सेलर एंड बायर ट्रांजैक्ट फॉर इनडायरेक्ट इनपुट्स, फी ऑफ मार्केट मेकिंग सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फुलफिलमेंट सर्विसेज। यानी बेसिकली है क्या कि एक बिज़नेस को बिज़नेस के साथ कनेक्ट करना। अब आपके पास देखो, ई डिस्ट्रीब्यूटर्स अ कंपनी डेट सप्लाई प्रोडक्ट सर्विस डायरेक्टली टू इंडिविजुअल बिजनेस। यानी वो कंपनीज जो इंडिविजुअल बिजनेस हो, जैसे अली बाबा है फॉर एग्जाम्पल। अली बाबा क्या कर रहा है, उधर भी बिजनेस बैठा हुआ है, पाकिस्तान में भी होलसेल बिजनेस, पर होलसेल वाले सारा माल किसे मंगवा रहे हैं, अली बाबा से मंगवा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू ग्रेनर फॉर एग्जाम्पल इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सप्लाई। इन द पास्ट ग्रेनर रिटेल्ड अ कैटलॉग सेल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। इट्स कैटलॉग ऑफ इक्विपमेंट वेंट ऑनलाइन इन 1995। इन 2015 ग्रेनर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इंक्लूड वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप प्रोड्यूस 3.3 बिलियन सेल्स, दैट इज़ 41% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ट्रेडिशनली भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जाने से इनका 41% काम क्या है और रेवेन्यू ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। ई प्रोक्योरमेंट देखो, क्रिएट्स एंड सेल्स एक्सेस टू डिजिटल मार्केट। यानी ये क्या कर रहे हैं कि एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। फर्म सच एस अरीबा फॉर इंस्टेंस हैव क्रिएटेड सॉफ्टवेयर डेट हेल्प लार्ज फर्म्स दे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय क्रिएटिंग मिनी मिनी डिजिटल मार्केट फॉर अ सिंगल फर्म। यानी ये क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जिसपे वो कंपनीज अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही है। अरीबा क्रिएट्स कस्टम इंटीग्रेटेड ऑनलाइन कैटलॉग्स फॉर परचेजिंग फर्म्स। ऑन द सेल साइड, अरीबा हेल्प्स वेंडर सेल टू लार्ज परचेजर बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टू हैंडल कैटलॉग क्रिएशन, शिपिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। अब यानी ये क्या कर रहे हैं कि फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। बोथ बाय एंड सेल साइड सॉफ्टवेयर इज़ रेफर्ड टू जेनेरिकली एज वैल्यू चेन मैनेजमेंट। यानी सामान कहाँ से आना है, किधर जाना है, पूरा सिस्टम क्रिएशन है, शिपमेंट, इंश्योरेंस है, फाइनेंसिंग है, वो सारा प्रोसेस इनके सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हैं। अब देखो, बी टू बी सर्विस प्रोवाइडर मेक मनी थ्रू ट्रांजेक्शन फीस। फीस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन यूजिंग द सर्विस और एनुअल लाइसेंसिंग फी। या तो ट्रांजेक्शन बेस पे पैसे चार्ज करते हैं या एनुअली उनको पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। दे ऑफर परचेजिंग फर्म अ सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल्स डेट परमिट्स फर्म टू रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट। फिर देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज अरीबा एज समटाइम कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू ऑफर फर्म्स मच लोअर कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाई अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल देखो, आपने पहले भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाते हो उतनी ज़्यादा साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होता है, उतना आपकी चीज़ें क्या होती हैं, रिड्यूस होती जाती हैं। तो इस सिनेरियो में भी ये हेल्प करते हैं। देखो, प्रोक्योरमेंट क्या होती है कि आपने परचेजिंग करनी है या आपने सप्लायर्स लेनी है, आगे डिलीवर करनी है, वो सारा प्रोसेस इसमें आ जाता है आपका। एक्सचेंजेस क्या है, डिजिटल मार्केट वेयर सप्लायर्स एंड कमर्शियल परचेजर्स कैन कंडक्ट ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल कपलाइन एंड सैंडी ने कहा था कि एन एक्सचेंज इन इंडिपेंडेंट डिजिटल मार्केट में वेयर हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स मीट अ स्मॉल नंबर ऑफ वेरी लार्ज कमर्शियल परचेजर्स।
देखो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टोबैको कंपनी पैकेजेस से अपनी सारी पैकेजिंग ले रही है। इसी तरह जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक्सचेंजेस के थ्रू डिफरेंट सप्लायर से मिलती हैं और वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं। देखो फॉर बायर्स बी टू बी बिजनेस मेक इट पॉसिबल टू गैदर इन्फॉर्मेशन, चेक आउट सप्लायर्स, कलेक्ट प्राइसेस एंड की अप टू डेट एंड लेटेस्ट हैपनिंग ऑल इन वन प्लेस। ये बायर्स का प्रोस्पेक्टिव, उनको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। सेलर्स का प्रोस्पेक्टिव क्या है, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिंग एक्सेस टू बायर। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेलर एंड बायर द लोअर द सेल कॉस्ट एंड हायर द चांसेस ऑफ मेकिंग अ सेल। द ई स्पीड एंड वॉल्यूम ट्रांजेक्शन आर समरली रेफर टू एज मार्केट लिक्विडिटी। ऑफकोर्स जब आपकी चीज़ें स्पीड में होती हैं, आसानी होती है, वॉल्यूम होता है, तो लिक्विडिटी भी उसमें ज़्यादा होती है। क्लियर है? यानी ये क्या है, डिफरेंट एक्सचेंजेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे आपके बायर एंड सेलर आपस में आके मीट करते हैं। उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल एक्सचेंजेस में आपके पास एग्जांपल देख लो, गो टू पेपर है, इंडिपेंडेंटली ऑन वर्टिकल डिजिटल मार्केट फॉर डायरेक्ट इनपुट्स, फी एंड कमीशन और ट्रांजेक्शन। अब ये क्या है कि सप्लायर्स कर रहे हैं कुछ, लेकिन क्या है वो फी और कमीशन चार्ज करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारे पर इंडस्ट्री कंसोर्शी है, वर्टिकल मार्केट डेट्स ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। अब देखो सच एज ऑटोमोबाइल है, एरोस्पेस है, केमिकल है, फ्लोर है और लॉजिंग इंडस्ट्री। इन कंट्रास्ट अब देखो ये क्या है, इंडस्ट्री ऑन वर्टिकल मार्केट प्लेसेज है, इनको हॉरिजेंटल मार्केट प्लेस क्या होते हैं, सेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस टू अ वाइड रेंज ऑफ कंपनीज। यानी ये क्या है, वाइड रेंज है, सेम लेवल पे हॉरिजेंटल लेवल पे ऐसे ही आपके जा रही है। वर्टिकल लेवल ये है कि आपके उस पर हर स्टेप पे आप डिफरेंट चीज़ें उनको दे रहे हो। वर्टिकल मार्केट सप्लाई स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द इंडस्ट्री, वायर हॉरिजेंटल मार्केट में सप्लाई कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी देखो वर्टिकल में आपका फोकस क्या है, कंपनीज थोड़ी हैं लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस आपकी ज़्यादा हैं। हॉरिजेंटल में कंपनीज ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट और सर्विस एक ही हैं। देखो फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑन फाउंडेड इन 2000 एंड ओन्ड बाय इंडस्ट्रियल जायंट बॉश, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, कॉन्टिनेंटल एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड द शेयर सप्लायर एंड कोलेबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज इन वेरियस मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड टू द इन एडिशन टू इट्स शेयर होल्डर इस कस्टमर इंक्लूड एयरबस, BMW, ब्रॉज, वॉर्नर्स। तो ये सारे बेसिकली इस कैटेगरी में इंडस्ट्री कॉन्सोर्शियम में आ जाते हैं। अच्छा फिर हमारे पास ना इंडस्ट्री कॉन्सोर्शिया हो गया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की हमने बात की। फिर हमारे पास आते हैं कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, कि ये प्राइवेट नेटवर्क हैं बेसिकली। मकसद क्या होता था कि बिजनेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, डाटा एक्सचेंज कर सकें। फॉर इंस्टेंस वॉलमार्ट ऑपरेट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड फॉर इट्स सप्लायर हु ऑन अ डेली बेसिस यूज वॉलमार्ट नेटवर्क टू मॉनिटर द सेल ऑफ देयर गुड्स, द स्टेटस ऑफ द शिपमेंट एंड द एक्चुअल इन्वेंट्री लेवल ऑफ द गुड्स। यानी वॉलमार्ट के पास जहाँ जहाँ से सामान आ रहा है ना, वो लोग सारे क्या है, वॉलमार्ट ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हर बंदा देख सकता है कि कितना भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, शिपमेंट कब पहुंच रही है, उनके डेली बेसिस पे कितनी सेल्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम कहते हैं कि हाउ ई कॉमर्स चेंजेस बिजनेस स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी बात है, सिनेरियो चेंज हो गया है वर्ल्ड का, बिजनेस करने का भी, और ये अभी नहीं काफ़ी अरसे से चेंज है, लेकिन एब्रप्ट चेंज आई है, एकदम आई है। उसकी वजह क्या है आपके सामने, कोरोना है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। अब देखो एट यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, यूबिक्विटी अल्टर्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट चैनल, एक्सपेंडिंग साइज ऑफ ओवरऑल मार्केट, क्रिएटिंग न्यू एफिशिएंसी इंडस्ट्री ऑपरेशन, लोअर कॉस्ट ऑफ फॉर्म सेल ऑपरेशन एंड एनेबल्स न्यू डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। यानी आपने क्या एक यूनिकनेस ले आए हो अपने बिजनेस को, जो बंदा ऑनलाइन लेके गया वो नई मार्केट में जा सकता है, एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होगी या सेल्स अपनी बढ़ा सकता है और लोअर कॉस्ट पे, कॉस्ट भी कम आएगी, यानी आप ओवर द वर्ल्ड चीज़ें जाके सेल कर सकते हो।
ग्लोबल रीच है, यानी आप पाकिस्तान में बैठे दुनिया के किसी भी कोने पे एट द लोअर कॉस्ट आप ऑपरेशंस कर सकते हो, प्रोडक्शन है, सेल एफिशिएंसीज हैं, कंपटीशन आपका ग्लोबल स्केल पे इंक्रीज़ हो गया है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स यानी हर जगह स्टैंडर्ड है, चेंजिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बाय लोअरिंग बैरियर्स टू इंडस्ट्री, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन विद इन इंडस्ट्री, लोअर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड फर्म ऑपरेशन बाय लोअरिंग कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन कॉस्ट, एनेबल्स ब्रॉड स्कोप ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी ओवरऑल स्टैंडर्ड एक ही यूनिवर्सल चल रहे हैं, लोअर कॉस्ट आपकी आएगी, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर रिचनेस है कि देखो आपकी क्या स्पॉट से सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है, स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो पहले अगर लेट्स सपोज नेस्ले के किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है तो कोई और बंदा उसको नहीं कर सकता, लेकिन अब आप डिफरेंट ब्रांड्स की इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, उनकी वैसे एफिलिएशन ले सकते हो। फिर इंटरएक्टिविटी अल्टर्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स थ्रू इनहांस कस्टमाइजेशन, आपकी कस्टमाइजेशन हर लेवल पे कर सकते हो ताकि आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाए। फिर पर्सनलाइजेशन, आप कस्टमर को देखते हुए, इंडस्ट्री को देखते हुए, मार्केट फोर्स को देखते हुए अपने क्या इतनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हो कि नए बनने के लिए कंपटीशन भी क्रिएट कर सकते हो। फिर इंफॉर्मेशन डेंसिटी के चेंज इंडस्ट्री सेक्टर बाय वीकनिंग पावरफुल सेल्स चैनल, शिफ्टिंग बार्गेनिंग पावर टू कंज्यूमर, यानी आपने क्या किया कंज्यूमर के पास बार्गेनिंग पावर आ गई है, जहाँ से मर्जी जिसकी वो फिजिबल लगे वो खरीद सकता है। फिर सोशल टेक्नोलॉजीज़ हैं, शिफ्टिंग प्रोग्रामिंग एडिटोरियल डिसीजन टू कंज्यूमर, क्रिएटिंग सब्स्टिट्यूट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स एनर्जाइज अ लार्ज ग्रुप ऑफ न्यू सप्लायर्स, क्या आपके सोशल टेक्नोलॉजीज मीडिया को यूज़ करते हुए आप एक लार्ज कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली टेबल 5.8 सजेस्ट सम ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच यूनिक फीचर फॉर द ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट, इंडस्ट्रीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशन। अब इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं। देखो ई कॉमर्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास वही सिनेरियो है जो आपने पढ़ा होंगे, फाइव फोर्सेस, पोर्टर्स, मार्टर, बैरियर टू एंट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, अवर्ली अमंग फर्म्स, इंक्रीज प्राइसेस, कंपटीशन एक्सपेंड्स द मार्केट। ठीक है, जितनी आपके प्राइसेस बढ़ती हैं कंपटीशन बढ़ता है, अब नई मार्केट में जाती है, ई कॉमर्स की वजह से वो मार्केट आसान होता है आपके लिए, अब जाना दूसरी मार्केट को टारगेट करना, न्यू सब्स्टिट्यूट्स एमर्जेस, स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेस, देखो डीवीडी सीडीज आना बंद हो गई हैं ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से, यूट्यूब वगैरह इस तरह की है, तो बार्गेनिंग पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल, आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, आपको अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा रेट मिले आप बाय कर सकते हो। इसी तरह आपके पास सप्लायर की भी रीच आसान होगी, आप ज़रूरी नहीं है आप कहीं से भी सामान भी मंगवा सकते हो। फिर मे रिड्यूस बैरियर्स टू एंट्री एज वेल सच एज आप फिज़िकल स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्स फोर्स नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो वो चीज़ यानी ये जो फाइव फोर्सेस हमें थे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, यहाँ पे ई कॉमर्स में आके काफ़ी हद तक क्या हुआ है, ट्रेडिशन चेंज हो गया है, यानी ई कॉमर्स क्रिएट न्यू इंडस्ट्री डायनामिक्स डैट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द गिव एंड टेक ऑफ द मार्केट, द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ द कंपेटिटर्स। ठीक है, ये बाकी ये फाइव फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों ने पहले बड़ी डिटेल में स्टडी की होगी, तो आप लोग देख लेना, कोई इश्यू हो तो मुझसे बेशक पूछ लेना। फिर देखो अब ई कॉमर्स क्या है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर के पास चीज़ आई है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई है, डिस्ट्रीब्यूटर से लीटर, फॉर एग्जांपल नेस्ले वालों के पास बॉटल्स आई हैं, यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, नेस्ले की बॉटल्स तैयार हुई हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डिफरेंट दुकानों पे, बेकरियों पे, वहाँ पे आई है, वहाँ से कस्टमर ने ली है। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट चैनल यूज़ करते हुए ई कॉमर्स के डायरेक्ट कंज्यूमर को चीज़ें सेल कर रहा है, तो ये क्या अल्टरनेटिव डायरेक्ट चैनल है, ट्रांसपोर्टेज मैनेजमेंट सिस्टम आप लॉन्च कर लो तो आपको ये मतलब ये सारी चीज़ें उसके थ्रू मैनेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होती हैं, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स पे करते हो, वैल्यूएडेशन करते हो, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हो। फिर देखो आपके पास क्या आते हैं, फर्म वैल्यू चेन, द सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फर्म एंगेज इन टू क्रिएट फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ इनपुट।
अब ये आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, ऑपरेशन होते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेल्स मार्केटिंग स्टाफ है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, ये आपका सारी चीज़ें, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्रोक्योरमेंट है और फाइनेंस है, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके काम कर रही हैं। अब ई कॉमर्स पे क्या हुआ है कि इन चीज़ों में भी आसानी पैदा हो गई है, काफ़ी हद तक आपको सेल्स फोर्स कम हो गई है आपकी, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज अभी भी हैं लेकिन सारा ऑनलाइन है सिस्टम। फिर वैल्यू वेब नेटवर्क बिजनेस इकोसिस्टम कोऑर्डिनेट्स द वैल्यू चेन ऑफ सेवरल बिजनेसेस। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि ये फर्म है, इंडस्ट्री है, स्ट्रेटेजिकलाइज पार्टनर फर्म्स आ गई हैं, डायरेक्ट सप्लायर आ गए हैं, कस्टमर है, इनडायरेक्ट सप्लायर है, यानी एक ईआरपी सिस्टम है, सारों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। देखो वैल्यू वेब इज अ नेटवर्क बिजनेस इकोसिस्टम दैट यूज ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी टू कोऑर्डिनेट द वैल्यू चेन ऑफ बिजनेस पार्टनर विद इन इंडस्ट्री, यानी आपकी कोऑर्डिनेशन सब की हो रही है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, फिजिकली काम खत्म हो गया है, हर काम इंटरनेट के थ्रू, आप सप्लायर से भी अलायंस में हो, सप्लायर पार्टनर्स के साथ भी अलायंस में हो, सप्लायर्स के साथ भी, इनडायरेक्ट सप्लायर्स के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी। अब बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होता है बेसिकली, क्या प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। अब देखो प्रॉफिट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस अ फर्म इज एबल टू चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो कॉस्ट और जो आपको रेवेन्यू होता है उस पर से एक्सपेंस निकालो प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट क्या बताता है हमें, इकोनॉमिक वैल्यू बताता है। अब इकोनॉमिक वैल्यू किच क्रिएटेड एनी टाइम कस्टमर आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ प्रोडक्ट देन इट्स कॉस्ट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक वैल्यू तब भी पे की जाती है जब कोई पसंद आए, ज़रूरत पूरी हो, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसकी कभी भी इकोनॉमिक वैल्यू पे नहीं करते। तो उसके लिए बिजनेसेस डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, रेफर्स टू ऑल द वेज प्रोड्यूस कैन मेक देयर प्रोडक्ट यूनिक, यानी आप यूनिक कैसे बनानी है, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, डिफरेंट चीज़ों में, बी कमोडाइजेशन सिचुएशन वेयर देयर नो डिफरेंस अमंग प्रोडक्ट और सर्विस एंड द ओनली बेसिस ऑफ चूजिंग इज़ द प्राइस, कि आप सिर्फ प्राइस की बेस पे कम्पीट करते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, एक चीज़ स्टैंडर्ड है, आप सिर्फ ने प्राइस की बेस पे कम्पीट करना है। देखो द डिफरेंशिएशन फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन वी डिस्क्राइब्ड इन अर्लियर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ई कॉमर्स ऑफर सम यूनिक वेज टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सच एज द एबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट और सर्विस, सॉरी प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम होम, वर्क और ऑन द रोड। यानी ई कॉमर्स ने किया गया वो सारे आठ के आठ फीचर्स ना, अबिक्यूटी है, ग्लोबल रीच है, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी है, वो भी आपकी स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व करती है। फिर स्ट्रेटजी ऑफ कॉस्ट ऑफ कंपटीशन ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट एंड कंपटीशन। जब आप जाते हो ऑनलाइन जाते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों में कॉस्ट कम बेयर करना पड़ती है। देखो ई कॉमर्स ऑफर सम वेज टू कम्पीट ऑन कॉस्ट एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, फर्म कैन लेवरेज एबिक्यूटी बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंट्री, द कस्टमर फील्स ऑफर इन द फॉर्म सो देर इज नो ऑर्डर एंट्री डिपार्टमेंट, लेवरेज ग्लोबल रीच एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बाय हैविंग अ सिंगल ऑर्डर एंट्री सिस्टम वर्ल्ड वाइड। यानी वेबसाइट के थ्रू आपको ज़रूरत नहीं है बंदा ऑर्डर ले या अगर डिलीवर करे, हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है। फिर स्कोप स्ट्रेटजी आती है, कंपीटिंग इन ऑल मार्केट्स अराउंड द ग्लोब रादर दैन जस्ट लोकल, आप सारी जगह जा सकते हैं। फिर कंपीटिंग विद इन अ नैरो मार्केट और प्रोडक्ट सेगमेंट मार्केट निश्चय हो सकती है। फिर कस्टमर इंटीमेसी के फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद कस्टमर इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्विचिंग कॉस्ट, कि आप बेसिकली क्या करते हो कस्टमर के साथ इतना इंटरेक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, आईफोन का यूज़र कभी भी स्विच नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है अगर स्विच करने के लिए उसको मज़ीद ज़्यादा कॉस्ट, मज़ीद इससे अच्छी कंपनी आएगी वो स्विच करेगा, तो वो क्या कस्टमर इंटीमेसी वाली अप्रोच भी यूज़ करते हो। तो ये आपकी बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं चार, और उनके एग्जाम्पल्स आपके पास वारबी पार्कर है, कॉस्ट कंपटीशन में वॉलमार्ट है, एप्पल आई डिवाइस स्कोप में है, बोनोबोस है मेंस क्लोथिंग में, और अमेजोन नेटफ्लिक्स आपकी कस्टमर इंटीमेसी में है, ठीक है। और ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल डिस्ट्रप्शन कुछ आप कह लो कि नेगेटिविटीज़ है, इसको आप स्टडी कर लेना, इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज है,
आई थिंक यस। तो इसमें आप लोग देखो, आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स, ये सारी समरी लिखी हुई है जितनी हमने चीज़ें स्टडी की हैं उनके बारे में। फिर ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को लाजमी देख लेना, ये आपको हेल्प आउट करेंगे रिगार्डिंग एग्जाम्स, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है, आप लोग इसको आप सब लोग सॉल्व करो। देखो, विजिट द वेबसाइट ऑफ मोबाइल एंड डिस्क्राइब इट्स बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू फाइंड। आइडेंटिफाई इट्स कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, इट्स रेवेन्यू मॉडल, द मार्केट रेट्स ऑफ रेट। ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है जो आपने इस में करना है सॉल्व ना, और इसकी मैं आपसे ले लूँगा जब टाइम आएगा। बेसिकली थोड़ी सी चेक भी करनी है कि आप लोग लेक्चर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। तो ये आप लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट सॉल्व करना है जो आप लोगों ने मुझे 29th मार्च को ये सबमिशन होगी, और सब लोगों ने इंडिविजुअली सबमिट करवाना है, ठीक है। और अगर कोई बंदा लेक्चर सुन रहा है तो कोशिश करें बाकी स्टूडेंट्स को ना इन्फॉर्म करें, ताकि मुझे पता तो लगे ना कर क्या रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मैं आपका लेक्चर क्लोज़ करता हूँ। चैप्टर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक स्किप करवाए बेशक ना तैयार करें, बाकी टॉपिक्स को ध्यान से देखें। तो आपके बेसिकली हमने आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स, ई बिजनेस मॉडल हमने पढ़ा है, डिस्क्राइब द B2C बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं, B2B बिजनेस मॉडल कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग की बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने स्टडी की हैं यहाँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।